6:15 के हालात है हमारे डीएवी जीएनएस कंट्रीज इंद्री रोड करनाल के। देख सकते हो कितनी सारी धुंध है भाई, और हमारा यहाँ पर टूर स्टार्ट होने वाला है भयंकर एडवेंचर के साथ में। बच्चे अभी आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको लेके आ रहे हैं, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा है भाई, ये पहली सर्दियों की धुंध है और इतनी खतरनाक पड़ी है, बस क्या ही बताएं। देखो स्कूल में दिख रहा हमारा, तीन लाइटों के बीच में भी नहीं दिख रहा। तो गाइस चेक कर सकते हो यहाँ पे कितनी खतरनाक धुंध पड़ी है। अच्छी सर, आप क्या कहना चाहते हो इतनी भरी धुंध में? हम पहली जो हमारी सर्दियों की ये धुंध है, पहली ट्रिप टूर, और मतलब इतनी खतरनाक धुंध पड़ी है भाई। दिख रहा है कुछ आप आए करनाल से, आपका एक्सपीरियंस नहीं, कैसा कुछ रहा? नहीं दिख रहा है, गाड़ी वाला मेरे पीछे है भाई, मेरे को रास्ता दिखाओ। अच्छा सर, तो भाई गाइस ऐसा है, अभी बच्चे आ रहे हैं, अभी लेट हो गया सर, कितना टाइम लेट हो गया हम सर? हम 40 मिनट लेट हो चुके हैं, 40 मिनट लेट है सर। और वैसे ये कह रहे हैं से। सुगंधा मैम यहाँ पर अटेंडेंस वगैरह ले रहे हैं, बाकी अभी गाइस हम थोड़ा सा लेट हो गए, अभी जल्दी जल्दी हम, ये भाई हम बाहर आ गए हैं स्कूल से, आप देख सकते हो सर जी राम से, देख सकते हो आप कितनी फोग है, कितनी खतरनाक फोग है यहाँ पे, 0 डिग्री टेम्परेचर के, सर ने कोट पहन रखा है। जैसे हम ले लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, स्नोफॉल नहीं हो जाए, स्नोफॉल ना हो जाए, समस्या ये है जी, बस का वेट कर रहे हैं हम अपने साथ में। हाँ बिल्कुल सुन हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फबारी देख रहे भाई, बस आ जाए, बस अपनी फिर बच्चों को बिठाते हैं स्कूल से चलने से पहले। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं यहाँ पे सभी बच्चे, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैम ने अटेंडेंस वगैरह ले लिया यहाँ पर सभी की। ये अपना स्कूल है भाई, और ये अपनी बस है भाई, करनाल से निकलने वाले हैं हम, हाईवे पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस हम यहाँ पर गन्नौर पहुंच चुके हैं, करनाल बहुत ज्यादा धुंध है, यहाँ पे भी धुंध है, लेकिन यहाँ हम सूरज को देख सकते हैं, अभी अभी था, अभी गायब हो गया, तो थोड़ी थोड़ी धुंध यहाँ पर कम हुई है। ये हमारी बस है इधर, चेक कर सकते हो, टूर ट्रैवल की, और बच्चे वॉशरूम के लिए गए थे यहाँ पर, पेट्रोल पंप पे रुके थे हम थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम सीधा प्रतापगढ़ फार्म में मिलेंगे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे सब्सक्राइबर है, थैंक यू और भी ज्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है सर। ये गाइस हम आ चुके हैं प्रतापगढ़ फार्म पर, बस में आपको एंजॉय करके कैसा लगा? मैम आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। गाइस आप चेक कर सकते, बहुत सारे स्कूल आए हुए हैं, और ये अपनी बस भी आ गई है, पांच टीचर है ना? हाँ 48 बच्चे, 5 टीचर। ये हम नीचे उतर गए हैं, ये बस लग रही है भाई अपनी यहाँ पर, ये हमारा प्रतापगढ़ G20 वाला बोर्ड लगा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ये सबके हाथ पे बनेंगे सर? यहाँ सबके हाथ पे बनेंगे सर, इंक्लूडिंग स्टाफ का बच्चा है जी, चाहे तो स्टाफ का टीचर का बच्चा हो, चाहे कोई भी, सब क्या बनेगा, एंट्री सी होगी। ठीक है जिस पे ये होगा, हाँ ये बंधेगा ऐसे। मैं समझ गया जी, देखिए अभी तैयार करना, बांध के रखना, रेडी, हां बांध कर रहा हूं सर, बांध कर। ये देखिए गाइस यहां पर टिकट के तौर पर एक बैंड मिल रहा है हमें यहां पर, तभी एंट्री होगी सभी की यहां पर, सभी बच्चे अपना बैंड बढ़वा रहे हैं, तुम्हें देखो, अरे वाह खुशी, ये होती है जैसे गोवा में पार्टी होती है ना, गोवा में पार्टी होती है वैसे बांधते हैं, तभी एंट्री होती है। सो गाइस सभी को यहाँ बैंड मिल चुका है, बैंड दिखाओ सभी अपना, ये देखो भाई सभी को यहाँ पे बैंड मिल चुका है, सभी बच्चों को, और मुझे भी, मुझे अलग कलर का मिला है क्योंकि टीचर्स का अलग है यहाँ पर। बैंड दिखाओ भी, बैंड, वेरी गुड, सभी को यहाँ पर बैंड मिल चुका है, बैंड का मतलब एंट्री।
ये भाई हमारी देखिए प्रतापगढ़ की एंट्री पॉइंट यहाँ पर है और सभी बच्चे हमारे यहाँ पर रेडी। चलो भाई चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एंट्री करो। ये एंट्री करते हैं भाई हम यहाँ से सीधी डायरेक्ट एंट्री प्रतापगढ़। ये स्वागत हो रहा है भाई बहुत अच्छे से, यहाँ पर फूल वगैरह से स्वागत हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर कितने अच्छे से पहना हुआ है। राम राम जी, राम 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 राम, फूल डाल रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से, कितने अच्छे से वेलकम हो रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम, कितना बढ़िया लग रहा है भाई। जय श्री गणेशाय नमः। जी देखिए सामने गणेश महाराज ऊपर भाई वहाँ पर हाइट वाला डांस चल रहा है यहाँ पर। राम राम कर रहे हैं सबको, सब बच्चे यहाँ पर घूम सकते हैं अपनी मर्जी से, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों, मतलब ये बैंड आपके पास बैंड है, कुछ भी खाना हो आप खा सकते हो यहाँ पे, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना बैंड दिखाओ और फिर खाओ, ठीक है ना, और ग्रुप में घूमो, ऐसे लाइन में मत घूमो। देखिए भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, अंदर बस सिर्फ टिकट टिकट पैसे है, बाकी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। माल की बात है, सब कुछ फ्री है भाई, देखो कितनी बड़ी खाट है भाई, कितनी बड़ी खाट है भाई। जलेबी खाओ, रसगुल्ले खाओ, कुछ मर्जी खाओ, सब कुछ फ्री है, बस अंदर टिकट लो, बैंड लेके अंदर जाओ और खाना पीना फुल फ्री। ऑनलाइन बुकिंग होती है यहाँ पे, शायद जैसे गांव में गुड्डा गुड़िया का शो कराते थे। 870 रुपए का है भाई एक। देखो अंकल जी बना भी रहे हैं बैठे हुए अच्छे से देसी स्टाइल में। ये आलू है और पूरी भाई, दो रख दो भाई, दो दो, थैंक यू थैंक यू भाई। अलग ही बातचीत है सर यहाँ की, तो है ना, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। मतलब कि वेलकम भी टिक्के के साथ करते हैं बंदे, जैसे एक नए देश में हम आ गए, एक नई कंट्री एंट्री, नया देश नया बेस, दिल गार्डन गार्डन हो गया यहाँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अपने स्कूल के जाग तो ना सारी चीजों हम लगर रह गए यहाँ उतर दे, जहाँ भी जावा छोले, सर जी छोले भटूरे पे गए वहाँ अपने जाग, जहाँ गोलगप्पे पे गए वहाँ अपने जाग, कदिया आए यहाँ अपने जाग। डीएवी स्कूल छा रहा है, आगे दिख रहे हैं डीएवी स्कूल वाले, बातचीत फोटो जाए। हाँ जी फोटो, अपनी टीम रिधिमा, वेरी गुड वेरी गुड, मेरे को जान दो मेरे को जान दो। हाँ जो भाई देखो ये ऊँट की सवारी हो गया, सर जी आप भी अंदर आ जाओ, है जी यहाँ इस पकड़ने, मैंने भूखी सर जी, मैंने भूखी माँ घूमना और भी लोग सर जी ले भाई बैठ के भाई भूखी माँ भाई। एक और स्कूल कौन स्कूल है बच्चे आपका, कहाँ से? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये भाई ऊँट की सवारी भाई यहाँ पर बुक्की पर, चेक करो सभी, एक गेड़ा तो दबा था लाइन में खड़े होगा जंगल जी, और छीड़ सी भी छा जाएगी, छीड़ है आज, छीड़ है आज, तो भीड़ है जी आज, भीड़ ही है तो कई दिन हो गया, भीड़ रहा है ये बात का, भीड़े भीड़ चलेंगी। अच्छा आप खड़े तो हो सकते, उतना ही होगा यहीं पे, पास में गांव में। अच्छा पास में ये मैडम और कहाँ किस्ती में घूम रही है, बड़े मजे से नहा रहा है भाई यहाँ पर देखो, हाय हाय हाय। मरुति 800 भाई, चल भाई चल भाई, बधेरी देर चला रही थी नीचे उतरो भाई, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है सर जी, कैसा एक्सपीरियंस है बताइए? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, एंजॉय कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई। अभी हम भी कुछ एडवेंचर करने वाले हैं यहाँ पर, एडवेंचर जिम्पी चेन में हम जाने वाले हैं, जिम्पी चेन में। राम राम भाई, सारा ना जिप लाइन का एक्सपीरियंस बताते हैं हम आपको। चलते हैं भाई और आकर बताएंगे कैसे एक्सपीरियंस है, ठीक है। Yeah.
भाई जीप चेंज करने का बहुत अलग ही मजा आया, अनुभव अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा डर भी लगा लेकिन सही था और सेफ्टी भी थी, मजा आ गया, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बहुत बेहतरीन।